कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में यह असम के शीर्ष आकर्षणों में से एक है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि आप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की खोज पर विचार कर रहे हैं, तो असम से शुरुआत करना और कामाख्या के सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास में गहराई से जाना एक आकर्षक शुरुआत हो सकती है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की राजधानी के भीतर नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। यह कामरूप जिले के अंतर्गत आता है। इच्छा की देवी कामाख्या देवी या माँ कामाख्या को समर्पित यह मंदिर गहन श्रद्धा का प्रतीक है। किंवदंती है कि कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहाँ भगवान शिव के तांडव के दौरान देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके गुप्तांग और गर्भ वर्तमान मंदिर के स्थान पर गिरे थे। कहानी यह है कि इन शरीर के अंगों का सटीक स्थान तब तक अज्ञात रहा जब तक कि प्रेम के देवता कामदेव ने अपनी तपस्या के दौरान खोज शुरू नहीं की। अंगों की खोज से कामदेव को ब्रह्मा द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिल गई। इसलिए इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ गया। इस मंदिर में किसी देवी या देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक गर्भगृह के भीतर उपासक एक योनि की पूजा करते हैं, जो महिला जननांग का प्रतीक है। कामाख्या देवी मंदिर के पास की नदी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। यह वाकई असामान्य बात है कि हर साल जून के महीने में नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय होता है जब देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है। इस दौरान देवी मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। फिर 4th दिन जब देवी दर्शन के लिए द्वार खुलता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। साथ ही पवित्र जल कामाख्या देवी के भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस समय मंदिर में जाना और उस पवित्र जल का आचमन करना वास्तव में शुभ होता है। अंबुबाची मेला एक वार्षिक उत्सव है जो देवी के मासिक धर्म का स्मरण कराता है। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान मंदिर बंद रहता है क्योंकि देवी विश्राम की अवधि लेती हैं। अंबुबाची मेले के दौरान कई तांत्रिक इस पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। यह एक जीवंत समय है जब कई तीर्थयात्री योगिनी और योगी एकत्रित होते हैं, जिससे वातावरण संगीत और उत्सव से भर जाता है। कामाख्या मंदिर कुलाचार तंत्र मार्ग के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसे शाक्त तांत्रिक परंपरा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां से यह 1 घंटे की सुविधाजनक ड्राइव है। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कामाख्या है, जो मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे पास एक अलग वीडियो है जिसमें पानी के लाल होने के संभावित कारणों में से एक को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप यहां जा चुके हैं तो अपने अनुभव को कमेंट में जरूर शेयर करें। जय माता दी।